अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ पॉजिटिव्स आपको न्यूज़ देंगे, कुछ पॉजिटिव्स आपको अपडेट्स देंगे जो जो कि रिलेटेड टू यूके वीज़ा से रिलेटेड होगी, प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड होगी। इसके अंदर हम बताएंगे कि यूके वाले कब जो है अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको गेयर अप करने जा रहे हैं, मीन्स कि कब जल्दी जल्दी डिसीजन देने जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आजकल किन लोगों के डिसीजन आ रहे हैं। तो ये दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस चैनल के 2K सब्सक्राइबर्स हो गए और बहुत जल्दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से। और सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी और मिलेगी भी इंशाल्लाह। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि यूके होम ऑफिस वालों की जो एवरी जून यानी कि हर साल में जून के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, और जो अब हमें जो नई अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं वो यही है कि जो यूके वाले हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है जितने भी पेंडिंग में केसेस पड़े हुए हैं उनको जल्दी जल्दी इनका डिसीजन दिया जाए। आइदर डिसीजन गुड हो या बैड हो वो मैटर नहीं करता, बट उसका डिसीजन किया जाए। और ये जो काम है सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा, जल्द अज जल्द जो है वो डिसीजन देना शुरू कर देंगे। COVID-19 की वजह से जो यूके होम ऑफिस के अंदर अमला था, जो उनका स्टाफ था, वो बहुत कम हो चुका था। अब जो कोविड आया था उसको भी तकरीबन 2 साल, 1.5-2 साल होने वाले हैं। अब उसकी जो लहर है वो ख़त्म हो रही है, हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो यूके होम ऑफिस के अंदर भी जो उनका स्टाफ था वो दोबारा से आ चुका है और उन्होंने काम इस पर स्टार्ट कर दिया है, और आपको जो नतीजे 2-4 माह के अंदर अंदर देखने को मिलेंगे। सितंबर तक तो ये बिल्कुल ही क्लियर चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी, ठीक हो गया। बट अब बात करते हैं कि यूके के वीज़ा के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था रिसेंटली, किन लोगों को ज़्यादातर हम देख रहे हैं डिसीजन आ रहे हैं, जो हमारे कोलीग्स या जो हमारे कंसल्टेंट हैं ये इन्फॉर्मेशन से गैदर करके आप तक प्रोवाइड की जा रही है। जो जिन लोगों ने पिछले साल नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था उनको डिसीजन आना शुरू हो गए, मीन्स के 6 माह पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनके जो डिसीजन हैं वो उन्होंने इशू करना शुरू कर दिए हैं। आइदर वो रिजेक्शन हो, अपील में हो, या फिर आपकी वीज़ा ओके हो, वो अलहदा मैटर है, पर डिसीजन जो है वो अब तक नवंबर दिसंबर वालों को आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता देना चाहता था, मायूसी गुनाह है, आपने मायूस नहीं होना। आने वाले सितंबर, ये जो कमिंग सितंबर है, बस 2-1 माह रह गए हैं, तो उसके अंदर ही इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा निज़ाम आप लोगों के लिए हो जाएगा। जो 2020 की स्टार्टिंग में या 2019 में जो टाइम प्रोसेसिंग होता था वो भी होगी, प्योरिटी वीज़ा भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, और जल्द अज जल्द आप लोगों के डिसीजन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो थी रिलेटेड टू यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।